Welcome, 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 welcome back, welcome, back, welcome, back, back, viewers, 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 viewers. आज हम देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे कि क्रोटॉन, क्रोटॉन, क्रोटॉन के प्लांट, 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 प्लांट की कटिंग, 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 कटिंग कैसे, 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 कैसे लगाई, लगाई, लगाई जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं। चलो अगली गली। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. आप लोग सोच रहे होंगे कि गुट्टी क्या होती है और इसको कैसे लगाया जाता है, तो आओ फिर अगली गली। थोड़ी सी मिट्टी एज यूजुअल तैयार कर लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी, रेत और गोबर खाद बराबर मात्रा में मिक्स करके हमने तैयार कर लिया है। ये हमारी प्रिपरेशन है, जैसे कैंची है, ब्लेड है, कटर है, कुछ पॉलीथीन और धागे बांधने के लिए। और जिस प्लांट में हमने गुट्टी लगानी है वो ये क्रोटन का प्लांट है। इसमें आप
थोड़ा सा इसको इस तरह से चूज़ कर लीजिए इसके स्टेम्स को कि किस स्टेम को आपने एक प्लांट में तब्दील करना है। तो ये प्लांट जो है इससे तीन प्लांट बनेंगे, एक गुट्टी यहाँ लगेगी और दूसरी गुट्टी थोड़ा नीचे लगाऊंगा, यहाँ से कट कर देंगे, एक ये नीचे प्लांट बचेगा स्टेम और दो ऊपर से निकल आएंगे। ऐसी संभावना और आशा के साथ हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये मिट्टी के अंदर वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये फंगीसाइड है, और जो रेड कलर का पाउडर आप देख रहे हैं दालचीनी पाउडर है। ये दोनों ही मिट्टी में फंगस लगने से बचाते हैं। मिट्टी और फंगीसाइड पाउडर वगैरह को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी स्प्रे करके इसको मॉइस्ट कर लेंगे मिट्टी को, ताकि ये थोड़ी आपस में चिपक जाए और हमें इसे स्टेम के ऊपर लगाने में आसानी हो। इस तरह से इसका फनल बना के इसके अंदर मिट्टी फिल करके उसको धागे से बांध देना टाइट। लेकिन उससे पहले इस प्लांट की जो स्टेम है इसका बार्क जो छिलका होता है उसको उतारना है ब्लेड से और थोड़ा सा खुरच के फिर मिट्टी लगानी है। ब्लेड को अच्छे से सैनिटाइज कर लें वरना इसके अंदर इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, जिसकी वजह से आपका प्लांट मर भी सकता है। ये जो कट लगाना है ये ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, जैसे कि लगभग एक नाखून जितना मोटा होता है लगभग उतना ही गहरा ये कट स्टेम के चारों तरफ से लगाना है और फिर एक या डेढ़ इंच छोड़ के थोड़ा सा ऊपर या नीचे एक कट और लगाना है और उस बीच की जितने भी बार्क है उसको छील के अलग कर देना है। ये प्रोसीजर कुछ इस तरह से है जैसे कि हड्डी के ऊपर से स्किन और फ्लैश को हटा दिया जाए और नीचे सिर्फ हड्डी नज़र आ जाए। इसी तरह से ऊपर से जब हम बार हटा देंगे तो अंदर से इसका जो वाइट पोर्शन है
जैसे कि एक हड्डी निकल आती है, इस तरह से ये निकल आएगा। मगर इस काम को करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर हड्डी कट गई तो समझ लीजिए कि इसका जो नीचे से मिट्टी से जो पोषण ऊपर वाले प्लांट को मिलता है वो सारा उसी के अंदर होता है, उसी के थ्रू ही वो पानी और पोषण वो ऊपर जाता है प्लांट में, तो वो चीज़ डैमेज ना होने पाए। और सिर्फ ऊपर से इसकी खाल और फ्लैश हटाना है ताकि आप हड्डी तक पहुंच सकें। ऐसा करने से आपके प्लांट को थोड़ी इरिटेशन तो हो सकती है, लेकिन वो मरेगा नहीं अगर आप आराम से और ब्लेड को सैनिटाइज करके तरीके से काम करेंगे। इसके बाद हमें सिर्फ पॉलीथीन का फनल बना के उसके अंदर जो मिट्टी हमने तैयार की है वो भर के और धागे से उसको टाइट बांध देना है, और फिर इंतज़ार करना है लगभग 1-1.5 महीने का। जब उसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो ये जो कट हमने लगाया है इसके नीचे से इसको काट के दूसरे पॉट में इसको लगा देंगे और ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और नीचे का जो प्लांट है वो एज इट इज चलता रहेगा। और व्यूअर्स, ये हमारी कुट्टियाँ सब लग चुकी हैं। पॉलीथीन का फनल बना के उसमें मिट्टी भरनी है। बेसिकली क्या है कि जो कट आप लगा रहे हैं उसके ऊपर मिट्टी लगा करके पॉलीथीन से बांध देनी है, उसी को गुट्टी कहते हैं। और उसको बांधने के बाद उसके ऊपर एक लेयर पॉलीथीन की और लगा दें ताकि उसका मॉइस्चर बाहर ना निकल पाए, अंदर से थोड़ी मॉइस्ट रहेगी तो उसमें रूट्स जल्दी बनेंगी। ये व्यूवर्स 1 महीने बाद का वीडियो है, जहाँ जहाँ हमने गुट्टी लगाई थी वहाँ से नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो जब आप गुट्टी को ऊपर से काट लेंगे तो नीचे से नया प्लांट नए पत्तों के साथ आपको तैयार मिलेगा, और इसकी अगली अपडेट अगली वीडियो में दूंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।